ठीक है ना। क्वेश्चंस वही 5-6 ही होंगे, बट क्विज इस तरीके से डेली नहीं, हर लेक्चर में नहीं होगा। ओके सर। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर मूडल पे भी क्विज है क्या? मूडल पे मैं उस पर क्विज भी ले सकते हैं, उस पर बेटा मटेरियल भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे PPTs वगैरह जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि आप लोगों के पास पासवर्ड आ गए हैं नहीं है। सर पासवर्ड कल आए थे पासवर्ड, तो मैंने लॉग इन करके देखा था, तो उसमें आपने कुछ कंटेंट डाल रखा है। हाँ अभी मैंने ऐसे इंट्रोडक्टरी ऐसे छोटा मोटा डाला था, और जब एक बार सबके पास आ जाएगा ना बेटा तब मैं उस पर फिर। सर सबके पास तो नहीं आया सर। हाँ अभी सबके पास नहीं आया, 9 ग्रुप के पास नहीं आया, 8 के पास पता नहीं पूरा है कि नहीं, मतलब कुछ है प्रॉब्लम अभी। हाँ 7 के पास भी सबके पास नहीं होगा। 7 के गंभीर सर है ना, काउंसलर कौन है? गंभीर सर। हाँ तो 7 में भी सबके पास नहीं, तो जब तक सबके पास नहीं आता ना, जब आ जाएगा फिर मैं उस पर फिर अपलोड करना शुरू कर दूंगा कंटेंट। जो भी मैं यहाँ पे PPT ले रहा हूँ उसको PDF बना के, या उस पर क्विज भी ले सकते हैं हम वैसे, और क्विज के लिए तो यही गूगल फॉर्म और ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म ही ठीक है, सबको यूज़ करना आता ही है। हर वेंसडे 10:30 आपका क्विज हुआ करेगा, 10:30 से 2:10:40, 10 मिनट। चलो फिर शुरू करते हैं ना, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ। रेस्ट ऑफ द पीपल विल जॉइन इन द क्लास, तो इतना लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो पिछली बार सेकेंडरी शेपिंग टूल्स तक हो गया था, ठीक है। हाँ सेकेंडरी तक हो गया, ठीक है। एक ही क्लास हुई है ना अभी आपकी? सर सेकेंडरी शेपिंग प्रोसेस। यस सर, एक ही क्लास हुई है सर। हाँ प्रोसेस, ठीक। ओके, तो इंट्रोडक्शन दिया था मैंने लास्ट क्लास में है ना? यस सर। क्या क्या ये था एएमएम एक्चुअली शुरू नहीं किया था, तो अभी हमने लास्ट इन द फर्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इसके अंदर वी है प्राइमरी शेपिंग और दूसरा था हमारे सेकेंडरी शेपिंग, ठीक है। प्राइमरी के अंदर यू हैड सब एग्जांपल्स लाइक, प्राइमरी में कौन कौन से थे बेटा आप? लेथ, प्राइमरी में यू हैड कास्टिंग, यू हैड फॉर्मिंग, और तीसरा था बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से, तीसरा क्या था? पाउडर मेटल। बिल्कुल करेक्ट, पाउडर मेटल। ये अब आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखने का क्या है, यहाँ पे आप लिक्विड लेते हैं,
यहाँ पे जो वर्क पीस होता है हमारा वो सॉलिड फॉर्म में होता है, हाँ पाउडर मेटलर्जी आ गया आंसर, यहाँ पे जो होता है वो सॉलिड होता है और पाउडर मेटलर्जी में जो मटेरियल होता है वर्किंग का दैट इज इन द शेप ऑफ पाउडर, इसमें पाउडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद सेकेंडरी हमने डिस्कस किए थे, सेकेंडरी के अंदर यू हैड मशीनिंग, उसके अंदर जो भी मशीनिंग के प्रोसेसेस हैं वो सारे आ जाते हैं, उसके अलावा सरफेस फिनिशिंग, उसके अलावा प्रॉपर्टीज में अगर कुछ चेंज करना है तो हीट ट्रीटमेंट भी उसी, हाँ हीट ट्रीटमेंट भी उसी में आ जाता है। वो तो थे हमारे सेकेंड। चलो आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ या मशीनिंग, दिस पेन इज नॉट वर्किंग, मशीन भाई एक मिनट रुको ना, मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर लेता हूँ, वही बेटर है। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मशीनिंग मेथड्स। सो वी हैड टू टाइप्स ऑफ मशीनिंग मेथड्स, फर्स्ट होते हैं हमारे कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स और सेकंड होते हैं हमारे, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ स्क्रीन अभी बेटा शेयर कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही थोड़ा सा बताने लगा था। ओके, अब आ गया स्क्रीन पे, आया कुछ? यस सर। ठीक, ठीक है, तो ए एम हम शुरू कर रहे थे, टाइप्स ऑफ मशीनिंग मेथड्स से हमने शुरू करना था आज, वहीं पे चलते हैं सीधा। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मशीनिंग मेथड्स, फर्स्ट होता है हमारा, फर्स्ट टाइप ऑफ मशीनिंग मेथड आर द कन्वेंशनल वन एंड द सेकंड टाइप ऑफ मशीनिंग मेथड्स आर द नॉन कन्वेंशनल। आज हैंग कर रहा है बहुत। पीपीटी से पढ़ा दूं डायरेक्ट? यस नो करो? यस सर। अब चल ही नहीं रहा यार। यस सर। चलो कोशिश करते हैं थोड़ी सी, एक है कन्वेंशनल, नहीं होगा तो फिर मैं पीपीटी ऑन कर लूंगा, और दूसरे हमारे होते हैं हमारे नॉन कन्वेंशनल। ठीक है बेटा, तो ये दो तरीके के वी हैव दी मशीनिंग मेथड्स। ठीक है, तो दो, एक होते हैं कन्वेंशनल और एक होते हैं हमारे नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ मशीनिंग मेथड्स। ठीक है, कन्वेंशनल में कौन कौन से आप इंक्लूड करते हैं? जहाँ पे वी हैव दी डायरेक्ट, मैं एक लाइन लिख देता हूँ बेटा, ये आपको याद रखनी है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट between tool and work, जहाँ पे जो कटिंग टूल होता है ना हमारे बेटा और जो वर्क पीस है उसके बीच में अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है इन ऑर्डर टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस, तो सारे प्रोसेसेस हमारे कन्वेंशनल प्रोसेसेस कहलाते हैं, कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस कहलाते हैं। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल है बिल्कुल इसका रिवर्स, यहाँ पे कोई कटिंग टूल ऐसा स्पेसिफाइड नहीं होगा और ना ही उस कटिंग टूल का कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा विद द वर्क पीस। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि इसमें कन्वेंशनल कौन कौन से होते हैं और नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं। ठीक है, अब कन्वेंशनल का एग्जाम्पल आप बताओ, आपको बताइए जिसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो
जो हमारा लेथ हो गया, ठीक है, मिलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, तो ये सारे आते हैं हमारे अंडर द कैटेगरी ऑफ द कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स। और जो दूसरे वाले होते हैं जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे आएंगे हमारे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स। ठीक है, एक मिनट वेट करना है यार, जस्ट ए मिनट होंगे, मुझे पीपीटी ही लेने पड़ेगी, एक मिनट बस। चलो आई एम बैक। ठीक है, मैंने अपनी सेटिंग आज सुबह थोड़ी चेंज की थी कि थोड़ा कंफर्टेबल रहे, बट मुझे लगता है वो सूट नहीं करी, इसलिए ना आज वाइट कोट चल रहा था ना पीपीटी ढंग से चल रही थी। ठीक है, तो मैं अभी उसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ रोज ही बैठता हूँ, आप कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या होता है। चलो सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है, बंद हो गई थी, चल दोबारा करें। अब आ गया, सिंपल आ गया, हाँ मेरी पे तो आ गया। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं दिस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बेटर फील है। चलो नॉन कन्वेंशनल। हाँ हाँ बोलो सर, इस अपडेट के लिए बुक कौन से रेफर कर दिया? हाँ, बुक है आपके पास, ये बहुत ना एक्चुअली क्या है, इट्स ए वेरी, चलो तुमने पूछा अभी डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर एक तो चलो आईपी तो तुमने देना ही है, उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, गेट हो गया, ईएस हो गया, या जो भी स्टेट लेवल कुछ भी होता है, वहाँ पे इस सब्जेक्ट से भी एक दो क्वेश्चन तो हर बार आते ही रहते हैं, मतलब ऐसा है ना, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुक को लेना पड़ेगा। तो जो इसकी टेक्स्ट बुक हैं जो आईपी के, जिसमें आपका पूरा काम चल जाएगा और थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव का भी इसमें नॉलेज हो जाएगा, वो इसकी बुक है मॉडर्न मशीनिंग, ये बुक का नाम है, मेरे पास इस बुक की पीडीएफ कॉपी है, मॉडर्न मशीनिंग मेथड्स बाय वी के जैन, ये बुक के ऑथर है। ठीक है बेटा, ये बुक का टाइटल है। सर ये अपने कॉलेज वाले सर है? नहीं, कॉलेज के नहीं है, ये आईआईटी कानपुर के हैं, ये आईआईटी कानपुर के हैं और बहुत एक्सपीरियंस इनका, इन्हीं इसी फील्ड में पूरा लाइफ टाइम इसी फील्ड में इन्होंने काम किया है एडवांस मेथड्स में, तो इन्होंने अपना जो रिसर्च है, जो इनकी फाइंडिंग्स है, वो एक बुक के फॉर्म में बना दिया है, और ये बुक है, बहुत बेस्ट बुक है इस सब्जेक्ट के लिए, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और न्यूमेरिकल दोनों के लिए ठीक है। दो तीन साल पहले, क्योंकि
जो इंडियन बुक्स होती है ना बेटा इंडियन ऑथर्स की, उनकी पीडीएफ नहीं मिलती बहुत इजीली, ई बुक्स उनकी बनती नहीं है पहली बात, जो बनती भी है तो वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, मिलती नहीं है। फॉरेन ऑथर की आपको कोई भी बुक मिल जाएगी पीडीएफ की, मेरे पास लिंक है मैं बता दूंगा कहाँ से, बट इंडियंस की नहीं मिलती। तो इसकी भी नहीं मिली थी, तो आप में से एक बच्चा था कोई, उसने उसके हर एक पेज की दो तीन बच्चों ने मिलके हर एक पेज का फोटो खींच के फिर उसका एक पीडीएफ बना के मुझे भेजा था। तो ये आपको पीडीएफ बुक्स के मिल जाएगी, वो मेरे पास है, आई विल अपलोड। देखो उसको मैं ना मूडल पे अपलोड करूँगा, इसमें यहाँ पे नहीं, एमएस टीम पे नहीं, ठीक है? तो प्लीज़ मूडल एक्सेस कर लेना, या मैं ग्रुप पे शेयर करूँगा, व्हाट्सएप वगैरह कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं उस चीज़ को शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये इलीगल है, किसी स्टूडेंट को भेज दूंगा, वो आपको ग्रुप पे भेज देगा, मुझे फिर क्लास में बता देना मिली कि नहीं मिली। अच्छा, एक तो बुक हुई ये, दूसरी जो बुक मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको चाहिए, वो अमेजन पे सिर्फ 110 रुपये की है अभी आज की डेट में, मैंने देखा था दो तीन दिन पहले। वो है मैं राइटर का नाम लिखता हूँ, उसकी कॉपी खरीद लेना अगर आपको मिल रही है 110 में, तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग बाय ऑथर से ही बिकती है वो बुक, पांडे एंड शान, बहुत जबरदस्त बुक है ये भी, पांडे एंड शान, SHAN, ये दो बुक्स हैं बेटा। म्यूट कर लो यार, फिर मुझे करना पड़ेगा। पांडे एंड शान बहुत जबरदस्त बुक है ये भी, पांडे एंड शान, ठीक है? तो दोनों में से यू कैन रेफर एनी बुक, दोनों में से कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, एज पर योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिस तरीके से आप समझ रहे हैं ना। दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, ठीक है? जो वीके जैन बुक है उसमें पूरा जो उसके रिसर्च पेपर्स है उसको बेस बना के उन्होंने पूरा बुक, बहुत अच्छी बुक लिखी है वो भी, उसकी पीडीएफ मेरे पास है, वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। जो ये पांडे शान है ना, ये वाली जो बुक है, इसका पीडीएफ गूगल बुक्स पे है, जो गूगल बुक्स नहीं आता उस पे इसका पीडीएफ है, बट कुछ पेजेस मिसिंग है क्योंकि सारे नहीं उसमें होते, कुछ पेजेस मिसिंग है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आपको चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक उस बुक से पढ़ना है, तब वहां से आप वो स्पेसिफिक पेजेस स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ मैनेज कर लेना। इसके अलावा मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा तीसरे नंबर पे, वो शेयर करूंगा बेटा बहुत सारे तीसरे नंबर पे, क्योंकि अब आप फाइनल ईयर में हो, बुक्स से बेटा आप काम नहीं चलाना चाहिए, रिसर्च पेपर्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर बेस्ड मैं आपके साथ बहुत सारे रिसर्च पेपर शेयर करूंगा, मे बी एक बच्चे के साथ एक, मतलब अलग अलग सबके साथ अलग अलग पेपर। तो वो आपको बेस्ड ऑन, जैसे EDM है, EDM पढ़ाऊंगा तो EDM से रिलेटेड शेयर करूंगा, कोई दूसरा प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड शेयर करूंगा, तो वो भी आपको साथ के साथ पढ़ना है, इससे आपकी रीडिंग डेवलप होगी और अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी सब्जेक्ट को समझने की, ठीक है? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट वी हैव क्लासिफाइड द मशीनिंग मेथड्स एज द कन्वेंशनल वन एंड द नॉन कन्वेंशनल वन, ठीक है? कन्वेंशनल के अंदर वो सारे आएंगे जहाँ पे हम टूल और वर्कपीस का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, वो सारे कन्वेंशनल मेथड्स में आएंगे, और जहाँ पे देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस, वो सारे हमारे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के अंदर आएंगे, ठीक है? है भाई एक साफ कर लें जरा। आज कुछ हो रहा है, ढंग से चल नहीं रहा।
व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा प्लेन एकदम, कोई पीपीटी दिख रही है? नहीं नहीं सर। नो सर, व्हाइट बोर्ड तो दिख रहा है और काफी लैग हो रहा है सर। हां यार मुझे भी फील हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है? एमएस टीम ही रीजन है क्या कि लैपटॉप रीजन है? सबके में लैग हो रहा है क्या? हां ये लैग तो हां मेरे विजिबल है सर। ये तो आप मेरे ख्याल से आपका सिस्टम ही लैग कर रहा है पूरा। मेरा ना ये आ रहा है सिस्टम में ही होगा। क्या करें फिर इसको? पीपीटी से पढ़ाऊं डायरेक्ट फिर समझ आ जाएगा? हाँ सर पीपीटी से पढ़ा दो कोई। कल कर पीपीटी से पढ़ा देता हूँ ना सर। आप मेरे एक बार ब्रेक दोगे ना तो रीस्टार्ट कर लेना एक बार, क्या पता उससे। हाँ ब्रेक में रीस्टार्ट कर लूंगा, सही कह रहे हो। यस यस करेक्ट, मैं भी पीपीटी से ही पढ़ा देता हूँ बेटा, जितना समझ आता है ना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर उसको एकदम जो भी डाउट आएगा उसको क्लियर कर दूंगा मैं पीपीटी से। एक्चुअली ना मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें समझ नहीं आता बच्चों को। कोई बात नहीं, मैं पीपीटी से कोशिश करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में ना फिर जो भी आपका डाउट होगा उसको आई विल डिस्कस। ठीक है, आगे फर्दर नहीं पढ़ाऊंगा, बस डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। चलो आ जाओ। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रही है बेटा? एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स लिखा है, इज इट विजिबल? यस सर। ठीक है बेटा, चलो चलो। तो दो मेथड्स मैंने बताए, एक था हमारा कन्वेंशनल मेथड और दूसरा है हमारा नॉन कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, तो कन्वेंशनल मेथड्स आर दोज वेयर वी हैव द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द वर्क पीस एंड द टूल, एंड नॉन कन्वेंशनल मेथड्स आर दोज वेयर द कॉन्टेक्ट बिटवीन द इफेक्टिव कटिंग टूल, ठीक है, एंड द वर्क पीस इज नॉट डायरेक्ट। ये तो दो बहुत ही जनरल डिफरेंस है बिटवीन द कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल मटेरियल मेथड्स। ठीक है, अब देखो तीन चीज़ें हैं बेसिक हमारी। देखो तीन चीज़ें क्या हैं, पहली चीज़ ये कि विद द एडवांसमेंट्स इन मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस जो है आज की डेट में इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि जो मटेरियल डेवलप हो रहे हैं दे हैव वेरी गुड फिनिश वेरी गुड प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल हार्डनेस, टफनेस, फ्रैक्चर टफनेस, है ना। तो जो उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं आज की डेट में कि उन मटेरियल्स को किसी एक नॉर्मल मेथड से कट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। ठीक है ना, अगर स्ट्रेंथ अच्छी है, हार्डनेस अच्छी है, तो आपको उस मटेरियल को कट करने में बहुत परेशानी आएगी विद द हेल्प ऑफ लेथ, मिलिंग एंड जो भी आप जो पढ़ते हैं मतलब शेपर, है ना। तो कन्वेंशनल मेथड से उनको मशीन करना बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट रीज़न हो गया दैट विद द एडवांसमेंट्स इन मटेरियल साइंस द मशीनेबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड मटेरियल इज वेरी लो। मशीनेबिलिटी कम होती है जो बहुत अच्छे मटेरियल्स होते हैं, सुपर अलॉयज जिनको हम बोलते हैं। एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ आपको, जैसे होते हैं निमोनिक अलॉय। ठीक है, निमोनिक अलॉय हैज ए इट हैज बेसिक अलॉइंग एलिमेंट्स एज निकिल होता है उसके अंदर क्रोमियम होता है, उसके अंदर टाइटेनियम होता है, उसके अंदर कुछ ट्रेसेस ऑफ एल्यूमिनियम होते हैं। ठीक है, तो मेन उसके अंदर निकिल होता है विच इज़ अबाउट 50%। अब सोच के देखो 50% तो सिर्फ निकिल है उसके अंदर और 20% क्रोमियम भी है। ठीक है, तो क्रोमियम हमें पता है आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं एमपी से फिर मटेरियल साइंस में कि क्रोमियम वियर रेसिस्टिव होता है, उसको कोरोजन से बचाता है, स्टेनलेस होता है, इसलिए हम कोरोजन डालते हैं। और निकिल उसको हॉट हार्डनेस प्रोवाइड करता है कि हाई टेम्परेचर पर उसकी हार्डनेस में कोई लॉस ना हो, उसकी हार्डनेस इम्प्रूव करता है, टफनेस इम्प्रूव करता है, तो और उसके अंदर टाइटेनियम भी है। ठीक है, तो ये सारे एलोइंग एलिमेंट्स इतनी ज़्यादा अमाउंट में उसके अंदर हैं कि जिससे उस निमोनिक जो मटेरियल है उसकी मशीनिंग करना, उसको कट करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है। ठीक है ना, तो पहली चीज़ तो ये। एक एप्लीकेशन की बात करूँ तो आपने टर्बाइन ब्लेड्स पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो टर्बाइन ब्लेड्स में भी मेजर एलोइंग एलिमेंट निकिल ही होता है, तो टर्बाइन ब्लेड्स की मशीनिंग भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है नॉर्मल मेथड से करना। ठीक है, दूसरी तरफ जो दूसरा रीज़न है, कुछ मटेरियल्स इस तरीके के हैं या कुछ आपके प्रोडक्ट इस तरीके के होते हैं कि उसकी शेप बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है ना, जैसे टर्बाइन ब्लेड का मैं एग्जांपल ले रहा था, आप टर्बाइन ब्लेड का फिगर देखोगे, मेरे ब्लैक वाइट बोर्ड में था, पीपीटी में तो नहीं है फिलहाल, आप गूगल पर सर्च करना टर्बाइन ब्लेड का जो इमेज होगा वो
इतना कॉम्प्लेक्स इमेज है, उसके अंदर इतने माइन्यूट छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसके अंदर चैनल्स बने होते हैं, है ना, और पूरा जो ज्योमेट्री है वो बहुत ही टफ होता है, ठीक है, जनरेट करना विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल मेथड्स। तो उन उन क्या बोलते हैं कंडीशंस में जहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, वो एक सुपर एलॉय है और उसकी मशीनेबिलिटी बहुत कम है, नंबर वन। दूसरा, उन प्रोडक्ट्स में जिनकी शेप बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उनकी ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो इन दो रीजंस की वजह से हमें नॉन कन्वेंशनल जो मशीनिंग के मेथड्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। तो नीड आपको क्लियर हो गया है ना, पहली चीज़ सुपर एलॉय वो नहीं हो सकते, फिर दूसरी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, कुछ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जनरेट करनी है किसी मटेरियल के ऊपर, तब आपको नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ द नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड। ओके, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बेटा, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बेस्ड ऑन दैट ओनली दीज पॉइंट्स हैज बीन रिटन। तो पहला पॉइंट है, देखो, द न्यू मटेरियल्स हैविंग हाई स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, आप टफनेस भी यूज कर सकते हो इसके अंदर वर्ड, सच एज एग्जाम्पल भी वही है, निमोनिक एलॉयज एंड एलॉयज विद एलॉइंग एलिमेंट्स, ठीक है, सच एज टंगस्टन है अगर किसी चीज में, या मॉलिब्डेनम है या कोलंबियम है, आर डिफिकल्ट टू मशीन बाय द ट्रेडिशनल मेथड्स। तो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर ये अलॉइंग एलिमेंट्स हैं उनको आप नॉर्मल तरीके से मशीन नहीं कर सकते, उनको ट्रेडिशनल मेथड लेथ मिलिंग ग्राइंडिंग उनसे आप मशीन बेटा उनको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, नॉन कन्वेंशनल मेथड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट वी हैव द बाय द कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो वर्क पीस की हार्डनेस जो होती है उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, और जो टूल की हार्डनेस है उसके ऊपर भी डायरेक्टली डिपेंड करता है इन केस ऑफ कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, है ना। जो हार्डनेस है, फॉर एग्जांपल टूल की हार्डनेस देखते हैं, एचएसएस लेथ पे आप माइल्ड स्टील को एचएसएस से कट करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास माइल्ड स्टील है, ठीक है, और उसको आप एचएसएस से कट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो इजीली बेटा कट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वही माइल्ड स्टील अगर आप किसी एलॉय स्टील से रिप्लेस कर दोगे, आपने वर्क पीस का जो मटेरियल है वो एलॉय स्टील ले लिया जिसके अंदर टंगस्टन है, मॉलिब्डेनम है, कुछ भी उसके अंदर डाल रखा है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, हार्डनेस इंक्रीज होगी, टफनेस इंक्रीज होगी, तो एचएसएस का टूल जो है उसको ईजिली कट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा इससे कि उसको कट करने में एचएसएस का टूल ज़्यादा टाइम लेगा, तो क्या हुआ, मटेरियल रिमूवल रेट रिड्यूस हो गया, है ना। सेम विद द केस ऑफ द टूल मटेरियल, अगर ये माइल्ड स्टील ही रहा वर्क पीस, ठीक है, सेकेंड केस हो गया है, और आपने टूल का मटेरियल भी माइल्ड स्टील ही ले लिया, है ना, तो माइल्ड स्टील का जो कटिंग टूल होगा उसके अंदर शार्प एजेस तो हैं, वो माइल्ड स्टील के वर्क पीस को कट करने की कोशिश करेगा बट इतनी तेजी से इतने प्रिसीजन से नहीं कर पाएगा जितने प्रिसीजन से जो हार्डर टूल था एचएसएस का वो कर सकता है। ओके, क्लियर हुआ बेटा पॉइंट, मतलब वर्क पीस की हार्डनेस अगर चेंज होगी या दूसरा केस टूल की हार्डनेस चेंज होगी इन केस ऑफ कन्वेंशनल मेथड्स, तो दोनों ही केसेस में जो हमारा मटेरियल रिमूवल रेट आएगा वो चेंज होगा, वो रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस ही होगा अगर उसमें हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्लियर। ओके, थर्ड देखो, अगर आपके पास यहाँ पे तो देखो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है कन्वेंशनल में, ठीक है, इन केस ऑफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स वी डू नॉट नीड द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है, तो इनस्टेड ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वी यूटिलाइज द एनर्जीज एसोसिएटेड विद दैट प्रोसेस। तो एक प्रोसेस का नाम है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, जहाँ पे मैं कुछ केमिकल रिएक्शंस को यूज करूँगा। इसी तरह एक और हमारे मेथड का नाम है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, जो हम लैब में डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे मैं जो हमारा स्पार्क जनरेट होगा, जो थर्मल स्पार्क जनरेट होगा बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस, उसको यूज करूंगा। तो हर मेथड का एक अलग तरीका है उस चीज को यूज करने का, उस चीज को यूटिलाइज करने का। ओके बेटा, थर्ड, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, बहुत कॉम्प्लेक्स शेप है, जैसे आपको मैंने टर्बाइन ब्लेड बताया, तो टर्बाइन ब्लेड के केस में यू हैव टू यूज द नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ मशीनिंग इन ऑर्डर टू मेक दैट कॉम्प्लेक्स शेप, ठीक है। ईजी शेप्स हैं वो तो आप लेथ से भी कोशिश तो कर ही सकते हो ना, अगर मटेरियल टफ भी है
और आपके पास टूल आपने अरेंज कर लिया तो आप लेट से कोशिश कर सकते हो, मीनिंग से कोशिश कर सकते हो, बट मान लो उसी सेम मटेरियल का निमोनिक एलॉय का कोई कॉम्प्लेक्स शेप ही बनाना है तब तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, है ना। इन दैट केस यू हैव टू यूज दी नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ मशीनिंग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वी हैव इन्हीं चीज़ों को फिर एक पॉइंट वाइज लिखा है, एक बार इसको पढ़ेंगे हम। तो इन केस ऑफ एडवांस मशीनिंग मेथड्स या नॉन कन्वेंशनल मेथड्स या नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स, सबका नाम सेम ही है, सबका मीनिंग सेम ही है, वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डायरेक्टली अप्लाइड टू वर्कपीस टू हैव शेप ट्रांसफॉर्मेशन और दी मटेरियल रिमूवल रेट। तो इन मेथड्स में, इन एडवांस मशीनिंग मेथड्स में वी विल यूज डिफरेंट एनर्जीज, फॉर एग्जाम्पल थर्मल एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल कुछ केमिकल एनर्जी, और उस एनर्जी से हम मटेरियल को रिमूव करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं एडवांस मशीनिंग मेथड्स के। सेकेंड, इन एडवांस मशीनिंग मेथड्स देर आर नो मैक्रो चिप्स, तो जो चिप्स का जो शेप रहेगा दैट इज ए बिट बिगर इन केस ऑफ द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ मशीनिंग, एंड इन नॉन कन्वेंशनल द चिप्स आर ऑफ वेरी माइक्रोन साइज, बहुत छोटे छोटे माइक्रोन साइज के चिप्स बनते हैं इन केस ऑफ द नॉन कन्वेंशनल मेथड्स। अच्छा, माइक्रोन साइज चिप्स को कैसे समझोगे आप? अभी हमने डिस्कस किया कि इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग हमने पढ़ा है ना कि बहुत ज़्यादा फिनिश आता है, बहुत अच्छा फिनिश आता है, इट मींस रफनेस बहुत रिड्यूस होती है। तो इसका क्या मतलब है, रफनेस जो रिड्यूस होगी वो कब रिड्यूस होगी, जब जो उसका टॉप लेयर है जहाँ पे आप मेजर कर रहे हो वो माइक्रोन्स में रफनेस आ रही है तब उसको हम अच्छी मानते हैं। तो माइक्रोन्स में रफनेस तभी आएगी जब जो चिप्स हैं वो माइक्रोन्स में रिलीज हो रहे होंगे। अगर चिप्स आपके एमएम की शेप में, एमएम के साइज में रिलीज हो रहे हैं तो उसकी रफनेस भी एमएम के ही आसपास आएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि नॉन कन्वेंशनल के केस में वी गेट द साइज ऑफ द चिप्स इन द रेंज ऑफ माइक्रोन्स। ठीक है, तो माइक्रोन्स में रहे तो फिनिश भी अच्छी आएगी। ओके, सो इन केस ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स वी हैव नो माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स, और दूसरा चीज, देर इज नो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस, वर्कपीस और टूल के अंदर कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी नहीं है। ठीक है, इससे भी चिप्स जो हैं वो बहुत छोटे निकलते हैं, माइक्रोन साइज के निकलते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा, इस पॉइंट में क्या लिखा है, दैट द टूल मटीरियल डज नॉट हैव टू बी हार्डर देन द वर्क मटीरियल, अनलाइक लेथ। लेथ के, ये मैं माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेथ में आप क्या करते थे, लेथ के अंदर जो टूल मटेरियल था, जो वर्क था, वो क्या था, माइल्ड स्टील, दैट वाज माइल्ड स्टील, है ना, और जो टूल था वो था हमारा एचएसएस, टूल वाज अप ऑफ एचएसएस। ठीक है, तो इस केस पे किसकी हार्डनेस ज़्यादा है बेटा, हमारे टूल की हार्डनेस ज़्यादा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा है, तब वो इजिली माइल्ड स्टील के वर्कपीस को कट कर पाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स, एडवांस मशीनिंग मेथड्स, नॉन कन्वेंशनल मेथड्स, देर इज नो नीड कि टूल जो है उसकी हार्डनेस वर्कपीस से ज़्यादा हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बताओगे कोई बेटा, अनम्यूट करके बता दो कि ऐसा क्यों है, टूल की ज़रूरत नहीं है हार्ड होने की, जब तक जो फोर्सेस जनरेट होती है शेयरिंग करने के लिए, मटेरियल शेयर होता है ना 45 डिग्री पे, तो वो जो शेयरिंग करने के लिए मटेरियल आपको चाहिए, जो फोर्स चाहिए, वो टूल के ऊपर ट्रांसफर ही नहीं होगी, टूल के ऊपर ट्रांसफर नहीं होगी, तो टूल चाहे आप कम हार्डनेस का लो चाहे ज़्यादा हार्डनेस का लो, उसकी हार्डनेस पे मोर और लेस कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये थर्ड पॉइंट है, देर इज़ नो नीड टू हैव ए हार्डर टूल मटेरियल फॉर दी मशीनिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे देखो, इसके टूल फोर्सेज डू नॉट इंक्रीज एज द वर्क मटेरियल गेट्स हार्डर। अगर वर्क मटेरियल अगर आपने हार्ड ले लिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि टूल के ऊपर तो फोर्स आने ही नहीं है। ठीक है, इसमें फिफ्थ देखो, द इकोनॉमिक मटेरियल रिमूवल रेट डज नॉट डिक्रीज एज द
वर्क मटेरियल गेट्स हार्ड, बिल्कुल सही चीज़ है। अगर वर्क मटेरियल अगर आप जो आपके कन्वेंशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उसके अंदर अगर आप वर्क मटेरियल को हार्ड कर देते हो तो जो इकोनॉमिक्स है वो चेंज हो जाएगा। सर आप म्यूट हो गए, आपको किसी ने म्यूट कर दिया सर। हाँ ठीक है, इज द पीपीटी विजिबल बेटा? पीपीटी तो दिख रही है? ठीक है, यस सर विजिबल। ओके, आज सिस्टम में ही कुछ दिक्कत लग रही है, एक मिनट। ओके, तो जो वर्क पीस का मटेरियल अगर आप हार्ड भी हार्ड ले लेते हो, देन यू हैव द ऑप्शन इन केस ऑफ लेथ, इन केस ऑफ अदर मशीनिंग मेथड्स, उस केस में आपके पास क्या रहेगा कि आप टूल भी वियर हो सकता है, तो टूल की मशीनेबिलिटी भी कम हो जाएगी, मतलब टूल जो जो वर्कपीस को कट कर पा रहा है वो उसकी एबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है ना, जो कि नॉन कन्वेंशन में ऐसा होने के थोड़े कम चांसेस है, नॉन कन्वेंशन में इस तरीके की दिक्कत होने की थोड़ी सी कम चांसेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव, मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, हेलो, हाँ बेटा सर, इसमें नॉन कन्वेंशनल में जब टूल और वर्कपीस का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता तो सर मटेरियल रिमूव कैसे होता है सर? मयंक, आपका ग्रुप कौन सा है मयंक? M8 और 78 M8 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 की लैब आपने अटेंड की थी? नहीं सर, आज मेरा फर्स्ट डे है सर, वाईफाई नहीं था मेरे घर में। अच्छा अच्छा, आज अभी लग गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि लैब में ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर रही थी। मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ समझाने की, अगर उसमें क्लियरली एक बार भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो वाइट बोर्ड चल जाए ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हम सबकी। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं वाइट बोर्ड को। देखो क्या होता है ना, आपने मैं वेल्डिंग तो आपने पढ़ा है मेरे ख्याल, वेल्डिंग में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आर्क वेल्डिंग में क्या होता था, वी हैड एन इलेक्ट्रोड, आपके पास एक इलेक्ट्रोड होता था है ना, और उस इलेक्ट्रोड को जब आप चार्ज प्रोवाइड करते थे, कोई भी चार्ज उसके अंदर आप प्रोवाइड करते थे। मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड से लिखने की। मैं उनको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा अगर एक बोर्ड चल गया तो। चलो कोशिश करते हैं। मैं ये दिख रहा है आपको, आप सबको दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे? यस सर, थोड़ा वर्क कर रहा है। तो देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड हो गया फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज द वर्क पीस, ये बेटा हमारा वर्क पीस हो गया एंड दिस इज द इलेक्ट्रोड। ओके, तो इस केस में क्या होगा बेटा, दैट यू हैव कनेक्टेड दिस इलेक्ट्रोड विद पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड बना दिया, इसको हमने कैथोड बना दिया, और इस पूरे सिस्टम को हमने कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए वर्किंग चैम्बर, एक वर्किंग चैम्बर लगा दिया और इस पूरे को हमने फिल कर दिया कुछ डायलैक्ट्रिक फ्लूइड की हेल्प से, ठीक है, डायलैक्ट्रिक फ्लूइड की हेल्प से, जो कि जनरली हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे ही आप इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू द वर्क पीस सरफेस, है ना, ट्रांसफर करेंगे ना, एंड विद That transfer it will generate a spark. एक spark generate होगा in this region. पहला काम तो ये thermal spark. एक thermal spark generate होता है. Okay. Second reason is what? कि जब ये electrons का transfer होगा through this dielectric medium, through this fluid. तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे तो दे विल डिस्टर्ब द डायलैक्ट्रिक फ्लूइड प्रेजेंट इन दिस एरिया, इस एरिया में जो डायलैक्ट्रिक फ्लूइड है वो उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, इन रिजल्ट ऑफ व्हाट, इन रिजल्ट ऑफ दैट ए प्रेशर वेव, कुछ वहां पे प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है, पहले मैकेनिज्म समझते हैं फिर देखते हैं मटेरियल रिमूव कैसे होगा, ठीक है। थर्ड देखो, अब
जब कुछ प्रेशर जनरेट हो गया है, कुछ यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो गया है, कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड, और यहाँ पे जो दूसरा फ्लूइड है, जो बाहर की तरफ फ्लूइड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ, वहाँ पे प्रेशर अलग है, तो देयर इज सम प्रेशर डिफरेंस, कुछ प्रेशर डिफरेंस आ गया ना इस रीजन में, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर डिफरेंस सम बबल फॉर्मेशन विल बी देयर, कुछ वहाँ पे छोटे छोटे, क्योंकि फ्लूइड ही तो है वो, फ्लूइड के अंदर छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं यहाँ पे, एंड विद टाइम दीज बबल्स क्या होगा, इस बबल्स का ब्रस्ट, दीज बबल्स विल ब्रस्ट एंड विल लीड टू ए फेनोमेना, जिस फेनोमेना को हम कहते हैं कैविटेशन. हाँ, कैविटेशन. बच्चे का मैसेज आया है, इफ यू हैव प्लीज राइट, एक बोर्ड पे लिख रहा हूँ बेटा मैं, बच्चे कह रहे हैं बोर्ड पे लिखो, चलो ठीक है. तो एक होता है कैविटेशन, ठीक है ना बेटा, मयंक सुन रहा है बेटा, मयंक? हाँ, तो ये तीन फेनोमेना हो रहे हैं इस छोटे से रीजन के अंदर, इस रीजन में, और मैं इसको थोड़ा सा अब अलग से बना देता हूँ. तो क्या हुआ, जैसे हमारा यहाँ पे स्पार्क जनरेट हुआ, जैसे यहाँ पे स्पार्क जनरेट हुआ, दैट स्पार्क विल सॉफ्ट दिस टॉप लेयर ऑफ द वर्कपीस. तो ये जो वर्कपीस है ना बेटा, जो इसके विसिनिटी में है, बिल्कुल एंगल में आ रहा है, वो उस मटेरियल को सॉफ्ट कर देगा, ठीक है. सॉफ्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो रिमूव हो जाएगा, नहीं, सॉफ्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो लेयर है इजिली रिमूव हो सकती है. अब फिर दूसरा फेनोमेना आया प्रेशर का, और फिर तीसरा फेनोमेना आया कैविटेशन का, तो ब्रस्टिंग से भी फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, जो ब्रस्टिंग होगा उससे भी प्रेशर जनरेट होगा. तो उस ब्रस्टिंग से और जो प्रेशर जनरेट हुआ था, और एक एक चीज और होती है, इस रीजन में हम एक जेट भी यूज करते हैं, जो ये डाइलेक्ट्रिक भरा है ना इसके अंदर, एक नोजल लगी होगी यहाँ पे, उसके थ्रू डाइलेक्ट्रिक आता है, तो उस नोजल को भी मैं उस एरिया में कॉन्सेंट्रेट कर देता हूँ. तो इन सब की हेल्प से जो यहाँ पे जो सॉफ्ट हुई थी लेयर, वो लेयर यहाँ से रिमूव हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वियर डेब्रीज, जो कि माइक्रोन साइज में होती है, आपको बहुत पाउडर फॉर्म में दिखेगा. ओके, तो फिर जब इतना मटेरियल रिमूव हो गया, नेक्स्ट लेयर में नेक्स्ट आपका मटेरियल रिमूव हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट, तो लेयर बाय लेयर मटेरियल रिमूव होते होते एक स्लॉट बन जाएगा, ठीक है. वी हैव टू, आपको एक दो चीजें याद रखनी है इसमें, दैट वी हैव टू मेंटेन दिस गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस, ये गैप मेंटेन करना है. तो उसके लिए यहाँ पे बेटा सेंसर्स और सर्वो मोटर्स कनेक्टेड होते हैं. तो वो सर्वो मोटर क्या करता है, सेंस करता है कि इसका बेटा जब यहाँ से लेयर रिमूव हो गया तो डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए उतने अमाउंट से ये टू इलेक्ट्रोड जो है वो नीचे आ जाता है. तो विद टाइम एक बहुत ही फिनिश्ड माइक्रोन टाइप फिनिश्ड में हमें एक स्लॉट जनरेट हो जाता है, चाहे ये वर्क पीस मटीरियल निमोनिक हो, चाहे कुछ भी हो, मटीरियल से कोई लेना देना नहीं है, वो मटीरियल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा. अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये कॉपर का, हम जनरली नॉन फेरस यूज करते हैं, तो हम कॉपर यूज कर सकते हैं, है ना. फेरस इसलिए बेटा यूज नहीं करते क्योंकि कुछ ना कुछ हीट इलेक्ट्रोड में भी जनरेट होती है, और फेरस के अंदर ज्यादा हीट जनरेट होती है, गर्म जल्दी हो जाते हैं, तो वो टूल का वियर शुरू हो जाता है ना. यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल के इसके ऊपर भी तो जाएंगे, है ना, बट इतना ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होती कि वो टूल को ज्यादा वियर कर पाए. तो आफ्टर सम पासेस, 100-200 पासेस, फिर हम टूल को रीशेप कर लेते हैं एक बार, बस दैट इज इट. मैंक समझ आया कुछ, मैंक बेटा? यस सर, आ गया सर, है ना, मटेरियल किस तरीके से बेटा रिमूव हो रहा है. चलो नेक्स्ट करते हैं अब. हाँ बेटा, सर कितने वोल्टेज पे कितना कितनी एमएम की लेयर रिमूव होगी, ये हम एक्यूरेटली बता सकते हैं? बस हम ऐसी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं. आप जो मटेरियल रिमूवल रेट है ना बेटा, ईडीएम, अगर आप ईडीएम की बात करें ना आकाश, तो मटेरियल रिमूवल रेट इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट, और एक और दो फैक्टर और होते हैं, टी ऑन और टी ऑफ. तो अगर आपको मशीनिंग में यूज्ड रेसिस्टेंस दे दिया जाए, वोल्टेज बता दी जाए, ठीक है, करंट बता दिया जाए,
और टाइम बता दिया जाए कि कितने टाइम तक मशीनिंग हुई है, तब आप विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला मटेरियल रिमूवल रेट आप थियोरेटिकली फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना रेट से वो रिमूव हुआ है। उससे आप कैलकुलेट कर लोगे कि कितने लेयर कितने एमएम की रिमूव हुई है, वॉल्यूम आ जाएगा, फिर आप हाइट निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब एमएमआर हम डिस्कस करेंगे ना, वो आपका ईडीएम, तब मैं पूरा इसका मैथमेटिक्स भी समझाऊंगा आपको। हर मेथड का हम थियोरेटिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एक एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हम उसका एरर निकालेंगे कि कितना परसेंट एरर है, ये हम लैब में भी करेंगे। ठीक है आकाश? यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवांस मेथड्स। जो हमारे एडवांस मेथड्स हैं उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसको हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो पहले हमने क्या पढ़ा, शुरू का थोड़ा एक मिनट लेंगे, मशीनिंग के दो टाइप्स थे, कन्वेंशनल और दूसरा टाइप है हमारा नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल के अंदर क्या थे बेटा, लेथ, मिलिंग, ये सारे कन्वेंशनल है, ग्राइंडिंग, शेपिंग। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल के अंदर वी हैव देन फर्दर क्लासिफिकेशन, जो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है, वी हैव फोर टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। 950 हो गए हैं, अभी ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, मैं लैपटॉप भी रीस्टार्ट कर दूँ। ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।